धोखाधड़ी कर दूसरे का फोटो और डीए लगाकर फर्जी अकाउंट बनाकर उसका मनी ट्रांजैक्शन के उपयोग में लेने के आरोप में कैंट पुलिस ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज ऑक्सीजन कांड के चर्चित डॉक्टर कफील खान पुत्र स्वर्गीय शकील अहमद निवासी मकान बसंतपुर थाना राजघाट और उनके भाई आदिल अहमद खान को गिरफ्तार किया है, जिनके ऊपर गोरखपुर पुलिस ने धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। कैंट थाने में घटना का खुलासा करते हुए सीओ कैंट प्रभात राय ने बताया कि वादी मुकदमा मुजफ्फर आलम पुत्र तौफीक आलम निवासी शेषनगर थाना राजघाट की फोटो लगाकर फर्जी तौर से मोहम्मद फैजान के नाम से अकाउंट खोला गया था, जिसमें डॉक्टर कफील अपने शैक्षणिक काल में मणिपाल विश्वविद्यालय से सन 2006 से 2009 तक कुल 381,281 रुपये का डीडी बनवाकर अपने व्यक्तिगत उपयोग एवं शैक्षणिक कार्य हेतु प्रयोग किया गया था, जिसकी विवेचना से डॉक्टर कफील का नाम प्रकाश में आया था। विवेचना के बाद घटना में सम्मिलित दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट प्रभात राय ने बताया। ये वादी मुकदमा मुजफ्फर आलम के द्वारा तहरीर दिया गया था कि उसके फ़ोटो का गलत इस्तेमाल करके आदिल खान मोहम्मद फैजान के नाम से जो है फर्जी अकाउंट खोल करके जो है गलत तरीके से उसका उपयोग कर रहे हैं। इस आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात प्रकाश में आई कि वादी मुकदमा का फ़ोटो उपयोग किया गया है मोहम्मद फैजान के नाम से, और मोहम्मद फैजान के नाम से बैंक अकाउंट खोला गया है और बैंक अकाउंट में जो डीएल यूज़ किया गया है आईडी के रूप में, उस डीएल पे भी मोहम्मद फैजान का नाम उपयोग किया गया है, जबकि उस पर फ़ोटो मुजफ्फर आलम का उपयोग किया गया है और उसका जो डीएल का नंबर है उस नंबर वो नंबर जो किसी अन्य व्यक्ति का है, और इसके अलावा जो पासबुक में पता का उपयोग किया गया है वो भी पता किसी अन्य के नाम से है, और इसमें जो गारंटर और इंट्रोड्यूसर के रूप में है वो आदिल खान है। इसी के साथ साथ जब इसका इन्वेस्टिगेशन और किया गया तो ये बात और प्रकाश में आई है कि इस खाते का उपयोग आदिल खान और कफील खान, डॉक्टर कफील खान मिल करके उपयोग कर रहे थे, जो पूरी तरह से इलीगल खाता है। और ये वादी मुकदमा ने माननीय न्यायालय के समक्ष 164 के बयान में भी इस बात को स्वीकार किया है कि उसके फ़ोटो का दुरुपयोग करके ये लोग दोनों लोग डॉक्टर कफील और आदिल खान मिल करके फर्जी अकाउंट बनाए और उस फर्जी अकाउंट के द्वारा जो है इलीगल पैसों का उपयोग कर रहे थे अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए। पैसे कहाँ से आते थे? ये पैसे ये लोग जो इलीगल पैसा होगा इनका उस पैसों का उपयोग इसमें करते थे। ये एक किसकी किसकी गिरफ्तारी हुई? अभी डॉक्टर कफील और आदिल खान की गिरफ्तारी की गई। धाराएँ 467, 468, 419-20, 471, 120-B। डीएल भी फर्जी है। डीएल पर जो नाम उपयोग किया गया है वो मोहम्मद फैजान का है, जबकि उस पर फोटो जो लगा है वो वादी मुकदमा मुजफ्फर आलम का है और डीएल का जो नंबर है वो किसी अन्य व्यक्ति का है। इन्वेस्टिगेशन इस बारे में की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन जैसे ही आएगी, जब पता चलेगा तो इस बात को बताया जाएगा।